नमस्कार, साथिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए गए हैं। खुद जॉनसन ने इसकी पुष्टि करते हुए खुद को सबसे अलग थलग कर लिया और घर से ही काम करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें हल्का बुखार हुआ और खांसी हुई। खांसी 24 घंटे से अधिक समय तक रुकने पर उन्होंने NHS के डॉक्टरों से मुलाकात की, उनकी जाँच की गई और डॉक्टरों ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दो टूक शब्दों में कहा कि वह कोरोना संकट के लिए चीन को जिम्मेदार न ठहराएं। उन्होंने ट्रंप से साफ शब्दों में कहा कि वॉशिंगटन किसी को दोष देने के बजाय संक्रमण रोकने की दिशा में ठोस कदम उठाए और मिलकर कोरोना से लड़े। यदि आपने बैंक से कोई कर्ज ले रखा है और इस महीने की EMI नहीं दे पाए हैं तो परेशान ना हों। रिजर्व बैंक ने एक बेहद अहम फैसले में सभी तरह के कर्जों की मासिक किस्त यानी EMI की वसूली पर 3 महीने की रोक लगा दी है। यानी यदि कर्ज लेने वाला कोई आदमी मार्च से शुरू होकर अगले 3 महीने तक किस्त नहीं चुकाता है तो उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी और प्रबंधन सलाहकार कंपनी मूडीज की बात माने तो 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरकर 2.5% पर आ सकती है। मूडीज ने भारत के GDP अनुमान में कटौती ऐसे समय की है जब कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों के सामने आने में अब काफी तेजी आ गई है। अब ये संख्या 700 के पार हो गई है। गुरुवार को 88 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही देश में ये संख्या बढ़कर 724 हो गई है। इसमें 47 विदेशी शामिल हैं जो भारत घूमने आए थे। 42 लोग पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है। अब तक 17 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वे जल्द ही 40,000 वेंटिलेटर हासिल कर लेगा। इसके लिए दो अलग अलग सरकारी कंपनियों को कहा गया है वे जल्द ही वेंटिलेटर बनाना शुरू कर देंगी। इसके अलावा रेलवे ने भी कहा है कि वह वेंटिलेटर बनाना शुरू करेगा। कोरोना वायरस के कारण किए गए संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए तैयार है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अब तक 224 रैन बसेरों में हम लोगों को खाना खिला रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। दिल्ली सरकार आज से 325 स्कूलों में लंच और डिनर शुरू करवा रही है और हर स्कूल में 500 लोगों को खाना खिलाया जाएगा। रोकथाम की तमाम कोशिशों के बावजूद पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। पूरी दुनिया में अब तक 5,50,530 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 24,903 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक के खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।